हाय एवरीवन, आई एम जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर 1, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड आज हम लोग एक और टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज जो सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के कौन से पोर्शन जो है या फिर एनिमल के क्या प्रोडक्ट्स जो है एज फूड हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। फूड मीन्स खाना, ठीक है, क्या क्या है वो एडिबल है। सो सबसे पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे एंड उसके बाद कुछ कीवर्ड्स है जिनका मतलब हम लोग समझेंगे टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स से। ओके, सो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच वी ह्यूमंस कंज्यूम। ग्रेन्स, सीरियल्स। नाउ ग्रेन सीरियल्स आर मोर और लेस सेम। ओके, देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स, सीड्स, फ्लावर्स। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स है। नाउ प्लांट प्रोडक्ट का मतलब प्लांट से आता है, ठीक है। अगर इफ यू से पनीर, सो पनीर जो है वो किससे बनता है? मिल्क से, राइट। हेंस वी कैन से पनीर इज अ मिल्क प्रोडक्ट, राइट। नाउ दीज डेज वीगन पनीर भी अवेलेबल है जो कि प्लांट सोर्स से बनाया जाता है। सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब कि क्या सोर्स है, कहाँ से आ रहा है। सो ये हो जाएगा ग्रेन सीरियल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, वीट, राई, बार्ली। ओके, देन वेजिटेबल्स, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, स्पिनच, बीट रूट, टमेटोज, कैरट्स, पोटेटोज, एवरी वन फेवरेट, राइट। एंड फ्रूट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, ऑरेंजेस, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, एप्पल, गुआवा, एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर, राइट। देन रूट्स, रूट्स भी एडिबल है जैसे कि कैरट्स, देन बीट रूट्स। ओके, देन सीड्स भी एडिबल होते हैं प्लांट के, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, राइट, एंड देन चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स यानी कि तिल। सो देयर आर मैनी मैनी सीड्स जो कि हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं जो कि फूड है, ठीक है, या फिर फूड इन्ग्रीडियंट भी कह सकते हैं। अगर हम लोग कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि चिया पुडिंग, अगर एक एग्जाम्पल ले लें सीड का, सो चिया पुडिंग, ठीक है, ये आपने सुना ही होगा, राइट। सो चिया पुडिंग में क्या क्या जाता है? मिल्क, ओट्स, कोई भी स्वीटनर जैसे कि हनी एंड सीड्स, चिया सीड। सो ये जो चिया पुडिंग में चिया सीड जो है वो क्या है, वो हो जाएगा इंग्रेडिएंट, वो इंग्रेडिएंट का काम कर रहा है, ठीक है। एक इंग्रेडिएंट चिया सीड भी है। उसी तरह से बहुत सारे डिशेज जिसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं। देन स्टेम्स, स्टेम्स का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एस्पैरागस, देन सिनमन यानी कि दालचीनी, राइट। सो ये सब भी कंज्यूम करते हैं हम लोग। ओके, फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। कुछ कुछ वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं उनमें जो फूल होता है वो कंज्यूम किया जाता है। देन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल दीज डेज, लैवेंडर टी। सो लैवेंडर टी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी रिसेंटली सुना है। सो लैवेंडर क्या है? लैवेंडर इज अ ब्यूटिफुल कलर फ्लावर जिसका लैवेंडर कलर है। सो लैवेंडर टी बनाई जाती है, मीन्स लैवेंडर फ्लावर का जो कलर एंड उसमें जो भी है इन्फ्यूज किया जाता है टी में, इस तरह से कुछ बनता है। देन येलो कलर्ड फूल, आई थिंक गेंदा, दिस इज ऑल्सो यूज। देन हिबिस्कस, सो बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो यूज किए जाते हैं डिशेज में। ऑल राइट, सो ये सब क्या है? ये सब है प्लांट प्रोडक्ट्स जो कि एज फूड ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल प्रोडक्ट्स। सो एनिमल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, मिल्क, राइट, काउ मिल्क, गोट मिल्क, बफेलो मिल्क, मीट, चिकन, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये सब क्या है? छेना, टोफू, ये सब क्या है? ये सब मिल्क से बनाए जाते हैं, सो ये हो जाएगा मिल्क प्रोडक्ट, एंड मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है। सो इस तरह से बहुत सारे एनिमल प्रोडक्ट्स जो है ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम करते हैं। आई होप इट्स क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so these are some of the keywords which we are going to discuss now. Let's start with the first one, which is ingredients. Ingredients ka matlab kya hota hai, theek hai? Any of the foods or substances that are combined to make a particular dish. Now, ये सब जो कीवर्ड्स है ये देख के लगेगा कि हमें इन सब का मतलब तो पता ही है, राइट। इट्स करेक्ट, हमें इन सब का मतलब पता है, बट एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए जैसे कि हम किसी और को एक्सप्लेन भी कर सके। ओके, सो ये क्योंकि सिलेबस में भी है, ये चैप्टर में भी है, तो इंग्रेडिएंट्स इन सब का मतलब जो है आपको इस तरह से पढ़ना है कि आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सको। सो इंग्रेडिएंट क्या है? कोई भी फूड आइटम या कोई भी इंग्रेडिएंट यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसे कंबाइन करके एक पर्टिकुलर डिश बनी जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स क्विकली टेक अप एन एग्जाम्पल, टी। ओके, सो चाय बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं? मिल्क, राइट, टी एंड स्वीटनर, कोई भी स्वीटनर,
चीनी, ब्राउन शुगर, जागरी. सो चलो शुगर ही लिख देते हैं. शुगर, राइट? सो मिल्क, टी, शुगर, वाटर. ओके, राइट. सो ये जो टी है ये हो जाएगा डिश, एंड ये जो सारी चीजें हैं वो हो जाएगा इंग्रेडिएंट. वैसे ही खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? राइस, राइस, शुगर, देन मिल्क. ओके, सो ये ड्राई फ्रूट, सो ये सब हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द डिश, दैट इज खीर. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड एडिबल. एडिबल का मतलब क्या होता है? ये तो हमने बहुत जगह पर देखा है, ठीक है, एडिबल है कि नहीं. फिट और सुटेबल टू बी ईटन. एडिबल मीन्स जो चीज खा सकते हैं, उसका मतलब है एडिबल. एडिबल यानी कि ईट, व्हिच इज ईटेबल. सो इस तरह से आप याद रख सकते हो. राइट, सो वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी कैन टेक इज कोकोनट ऑयल. राइट, सो कोकोनट ऑयल जो है, कोकोनट ऑयल को सर पे भी लगाया जाता है, कोकोनट ऑयल को खाया भी जाता है. राइट, सो कोकोनट ऑयल कुकिंग में भी यूज करते हैं. सो कोकोनट ऑयल की बॉटल में नोटिस करना, लिखा रहता है एडिबल है या फिर वो नहीं है एडिबल. सो एडिबल का अगर लिखा है, इसका मतलब वो कोकोनट ऑयल जो है वो आप यूज कर सकते हो कुकिंग में भी. ऑल राइट, देन लेट्स टॉक अबाउट नेक्टर. ओके, व्हाट इज नेक्टर? अ शुगरी फ्लूइड सिक्रीटेड विद इन फ्लावर्स टू एनकरेज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स कलेक्टेड बाय बीज टू मेक इनटू हनी. नेक्टर क्या है? एक शुगरी फ्लूइड है, मीठा मीठा फ्लूइड होता है जिसे इंसेक्ट्स कलेक्ट करते हैं एंड पॉलिनेशन एनकरेज करने के लिए, और दूसरे एनिमल्स भी, एंड बीज कलेक्ट करके क्या करते हैं? शहद बनाते हैं, ठीक है. सो ये जो शुगरी फ्लूइड है ये कहाँ पे सिक्रेट होता है? ये फ्लावर्स में सिक्रेट होता है, ठीक है, एंड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कलेक्ट करते हैं, बीज वगैरह कलेक्ट करते हैं जिससे कि हनी बनाई जा सके. ऑल राइट, सो एक शुगरी फ्लूइड यानी कि मीठा मीठा फ्लूइड होता है फ्लावर्स में ही होता है. किस लिए? जिससे कि पॉलिनेशन जो है वो एनकरेज करा जा सके इंसेक्ट्स के द्वारा या दूसरे जानवरों के द्वारा, एंड बीज इस फ्लूइड को कलेक्ट करके शहद बनाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्प्राउटेड सीड्स. ओके, स्प्राउटेड सीड्स, ये तो हम लोगों ने सुना ही होगा, स्प्राउट्स चाट, राइट? बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिश है, एंड बहुत ही ज्यादा इजी टू प्रिपेयर डिश है स्प्राउट्स, राइट? सो स्प्राउटिंग ऑफ सीड्स इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स जर्मिनेट. ओके, सीड्स रिक्वायर ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड सनलाइट फॉर जर्मिनेशन. स्प्राउटिंग जो है, स्प्राउटेड सीड्स का मतलब, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ग्रीन कलर की एक मूंग दाल होती है, राइट? होल मूंग दाल होती है. अगर आप उसे भिजो करके, स्ट्रेन करके रख दोगे 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद देखोगे उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का, इस तरह से देखो, सपोज दिस इज द ग्रीन मूंग दाल, इस तरह से स्प्राउट्स आने लगते हैं, ठीक है. पूरे जो जिसमें आप स्ट्रेन करके रखोगे वो पूरा एकदम व्हाइट व्हाइट, इस तरह से मूंग दाल जो है वो आपको बहुत सारा देखने को मिलता है, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड स्प्राउटेड. ओके, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है स्प्राउटेड सीड्स. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, मूंग दाल है, एंड बहुत सारे अलग अलग पल्सेस है जिसके स्प्राउट्स कर सकते हैं, ठीक है. सो जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? बिगिन टू ग्रो एंड पुट आउट शूट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी. सो वही मतलब कि ग्रो होने लगता है मूंग दाल में से ही, या फिर और भी कोई पल्सेस अगर आप लो तो स्प्राउट्स जो है वो निकलने लगते हैं, ठीक है. जैसे कि रेड कलर का चना, उसको भी अगर आप भिजो करके स्ट्रेन करोगे तो यू विल गेट टू सी दैट इट्स स्प्राउटेड. ऑलराइट, सो इट बिकम्स स्प्राउटेड. All right, so that's all for today. I hope it's clear. In case of any queries, any confusions, please let me know in the comment below. All right, then next topic continue guys the next video. But till then, take care and keep learning. And thank you for watching.